तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं फ़िश फ्राई। तो फ़िश फ्राई बनाने के लिए हम आपको बताएंगे कि प्रोसेस इसका क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ़िश है इसकी हम फ्राई करेंगे। तो इसको पूरा खड़ा करेंगे, इसको कट नहीं करेंगे, इसका टुकड़ा नहीं बनाएंगे, ये डायरेक्ट इसको सफाई करके हमें फ्राई इसको बनाना है। तो इसको सबसे पहले हम क्लीन कर लेंगे, इसका जो ये सब होता है इसको क्लीन करके कट करके इसको अच्छे से वाश करके उसके बाद इसकी फ्राई बनाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम समय में फ्राई बनने वाला है। तो चलते हैं, सबसे पहले मछली को जो है हम सफाई करते हैं, कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इसको हम वॉश कर चुके हैं कट करने के बाद अच्छे से। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मसालों के साथ ये जो हो फ्राई है बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, उसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे, ये जो है हाफ़ के जी है, हमारा जो मछली है वो हाफ़ के जी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पेस्ट दिख रहा है इसमें लाल मिर्च है और लहसुन है, सिर्फ लहसुन और लाल मिर्च और हल्दी नमक, बस ये चार ही आइटम हमें इसमें यूज़ करना है, आपको बाकी कोई और मसाले यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो हम पूरा इसको मछली में लगा चुके हैं, यानी मिक्स कर चुके हैं मसाले को अच्छे से। इसको फाइनली 10 मिनट के लिए हम अलग रखेंगे, 10 मिनट के बाद हम चलते हैं चूल्हे पर और आएगा प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम जो कढ़ाई लिए हैं इसमें 250 ग्राम तेल यूज़ किए हैं, 250 ग्राम तेल यूज़ किए हैं। इसको हीट होने तक हम वेट कर लेंगे, जब तक ये हीट हो रहा है तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे तेल जो है हमारा हीट हो रहा है पूरा, इसको 100% हमें हीट कर लेना है। और ये जो फिश है ये भी रेडी है, पूरा मसालों के साथ तैयार है। अब हम चलते हैं, हमारा तेल जो है फाइनली हीट हो चुका है, अब हम चलते हैं इसको आराम से ये फिश जो है इसमें हम ऐड कर देंगे, तेल में डाल देंगे, दोनों को बारी बारी से हम डाल लेंगे। और डालने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है हम डाल चुके हैं, हम सेकंड मछली को भी डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी मछली है, हमें डायरेक्ट खड़ा ही इसको फ्राई कर लेना है। इसको चाहे तो आप टुकड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन ये खड़ा जो फ्राई होता है इसका लुक थोड़ा ज़बरदस्त लगता है और बहुत पसंद भी आता है लोगों को। तो यहाँ पर इसको मीडियम फ्लेम पर हम फाइनली 4 से 5 मिनट तक पकाएँगे। फाइनली आपको 5 मिनट हो तो ये जो है एक तरफ का पूरा फाइनली अच्छे से हो जाएगा, यानी 75% पक जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ का फाइनली हो चुका है, अब दूसरी तरफ को पलट देंगे, मछली जो है अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मछली हमारी एक तरफ को पक चुकी है और सेकेंड तरफ का लगभग 3 मिनट तक हम पकाएंगे। यानी कुल मिलाकर आपको पूरा समय लगेगा, सफाई मछली करने के बाद आपको पूरा 10 मिनट का समय लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा आपको मसाला अरेंज करने में, 10 मिनट के लिए आपको अलग रखना है, यानी वो तो टाइम वेस्ट ही है। उसके बाद फ्राई करने में आपको लगभग 10 मिनट का समय लगेगा कुल मिला करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मछली जो है हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसको तेल से अलग छान करके हम निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसको लुक आया है और इसकी टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। यहाँ पे देखिए फाइनली जो है हमारा फ़िश फ्राई रेडी हो चुका है। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बनाए और आप सबको कैसा लगा। ऐसे इजी तरीके से कम मसालों के साथ आप फ्राई करें, बहुत ही टेस्टी होती है। हल्के मसालों के साथ कोई भी जो पकवान है, आप गोश्त मछली कोई भी यूज़ कर रहे हैं कुछ भी, तो आप कम मसालों के साथ बनाएं बहुत ही टेस्टी होता है। तो हम यहाँ पे आपको तोड़ करके दिखा रहे हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त ये हुआ है, पूरा फाइनली अंदर तक पक चुका है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।